आज मैं फाइनली Q&A बना रही हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बंक मार लूँ। मसाले वाली कचौड़ी, दाल वाली कचौड़ी, वो बहुत पसंद है मुझे। टीना इज लाइक अ गॉडेस। तो हम बच्चे जब भी खेलते थे ना, तो मैं हमेशा बॉस बनती थी। मुझे पेरिस तो जाना ही जाना है। एंड फॉर यू गाइज आई वांट टू से शितम। हाय गाइज, सो वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। एंड आज की वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बिकॉज आज मैं फाइनली Q&A बना रही हूँ। कितने टाइम से आप लोगों को बोला हुआ था, आप लोग भी बोल रहे थे दी बनाओ यार Q&A। सो फाइनली आई एम डूइंग इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे भी आई एम ऑल्सो इन अ प्लेस कि आई एम लाइक कि येस आई वॉन्ट टू शेयर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज, एंड आप लोगों को बताना चाहती हूँ वट एवर यू वॉन्टेड टू आस्क मी। सो जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो एंजल गर्ग इज आस्किंग, वट विल यू मेक इन फूड इफ अनइनवाइटेड गेस्ट कम्स टू योर प्लेस। सो द थिंग इज कि खाना मुझे आता है बहुत ही अच्छा बनाना। मैं कुछ भी बना सकती हूँ एंड जल्दी बना सकती हूँ। सो अगर गेस्ट कोई भी आ जाता है एंड जो भी चीजें अवेलेबल होंगी उसमें मैं जो भी बनाऊंगी अच्छा ही बनेगा, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि इसके हाथों में ना अन्नपूर्णा है। इनफैक्ट टीना को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है, और अगर मैं किसी को भी खिलाऊं दैट पर्सन वुड ऑल्सो लव इट। एंड फर्स्ट टाइम भी अगर कुछ बनाती हूँ ना, तो वो चीज भी अच्छी ही बनती है। तो कुछ भी हो यार, पराठे, पकौड़ी, सैंडविच, क्या और क्या चाहिए आपको, इडली और पाव भाजी, चाउमीन, फास्ट फूड। तो अभी मैंने रिसेंटली बेकिंग भी करना सीखा, क्योंकि मैं बचपन में मेरे को बड़ा क्रेज था। मैंने इस चक्कर में बहुत केक जलाए। इनफैक्ट घर पे पापा ने बोल दिया कि बस हो गया तेरा, अब नहीं तुझे करना। तो लेकिन मैंने कहा यार ये कैसे बोल दिया पापा ने मुझे कि तेरा हो गया। तब तो मुझे और ज्यादा वो कंपटीशन आ गया कि नहीं नहीं आई विल जस्ट प्रूव माय सेल्फ, एंड फिर पहला केक बना मेरा। थैंक यू पापा। सो ये मतलब 2 साल पुरानी बात ही है। तब मैंने मुझे बेकिंग का धुन चढ़ गई थी। तो मैंने लगातार काफी कुकीज, काफी केक, एंड अभी रिसेंटली टीना के बर्थडे पर भी मैंने उसको बर्थडे केक बना के दिया। आई वाज लाइक कि उसको कुछ, उसके लिए कुछ स्पेशल करना है मुझे, तो क्या करूं, गिफ्ट दूं। आई वाज लाइक केक बनाती हूँ, इससे ज्यादा स्पेशल क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लर्निंग वर्ल्ड इज आस्किंग, माई क्वेश्चन इज हाउ मच मार्क्स डिड यू गॉट इन योर 10th बोर्ड एग्जाम, हाउ योर पेरेंट्स रिएक्ट टू इट, लव फ्रॉम अमृतसर। सो ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के थे 10th एंड 12th की जो था। वैसे आई वॉज अ वेरी स्टूडियस गर्ल इन स्कूल, लेकिन मेरी जो CGPA थी 8.4 आया था, एंड उसको अच्छा तो ज्यादा मानना नहीं जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन वो अच्छा ही था। द थिंग इज कि मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, इको में अच्छी हूँ। ऐसे होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, आप उनमें अच्छे होते हो, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप नहीं होते हो। लेकिन स्कूल लाइफ ऐसे नहीं चलती है, यू हैव टू बी बेस्ट एट एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट। तो वो चीज नहीं थी, उसकी वजह से कहीं पे मार्क्स कम हो जाते थे, कहीं पे ज्यादा हो जाते थे। सो यही था पेरेंट्स का रिएक्शन। पापा का हमेशा से सपना था कि भाई 90s में आए मार्क्स, लेकिन मेरे आते थे, लेकिन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में आते थे। पूरा वो उसमें ऐसे पूरा नहीं आ पाया, लेकिन टीना ने पूरा कर दिया सपना। बिग डील, डजंट मैटर, स्कूल के बाद कॉलेज के बाद ही असली लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसमें एक्सेल कर रही हूँ मैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो राहुल शर्मा इज आस्किंग, हाय पायल, क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट इज समथिंग यू वुड लाइक टू इम्प्रूव। सो आई थिंक रिसेंटली आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ। सो जब मैं अपने आप से बात करती हूँ, आई फील कि देर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अबाउट मी। एंड मैं ऐसे जबरदस्ती में अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, हर किसी को अपने आप को जानना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो आई फील देर इज समथिंग दैट स्पार्क, दैट लाइट, इट वॉन्ट्स मी टू शाइन। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी जबरदस्ती में, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ यार। इट्स लाइक कि अंदर से आवाज आती है। सो आई फील आई हैव दैट इन मी, दैट स्पेशल थिंग, एंड आई शुड बी मोर ऑफ माई सेल्फ ऑलवेज। एंड
the thing I would like to improve about me is not seeking validation. And उस पे मैं काफी work कर रही हूँ. It's like कि आप उससे पूछना ये कैसा लगा काम, या ये फोटो कैसी है. और हम किससे पूछते हैं, अपने अपनों से ही पूछते हैं. बाहर वालों की तो इतनी ओपिनियन मैटर भी नहीं करती आप कितना. सो वही है ना कि जब आपको दूसरे की वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, जस्ट डू इट एंड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आई लाइक इट, आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम लाइक कि आई वैलिडेट माई सेल्फ. गॉड हैज वैलिडेटेड मी. That is why he has sent me on earth. So that is enough. I don't need to seek validation. कि वो ही होता है ना कि हम पहले अपने parents से बोलते हैं, फिर parents को replace करके हम अपनी बहन या sibling से बोलते हैं, उसके बाद अपने life partner से आप सीख करोगे या दोस्तों से सीख करोगे, कितना भागोगे. At the end of the day, you have to be confident enough with yourself. कि आप कौन हो and like clear in your head. So that is what I am working on. So the next question is Mannat's fantasy is asking. So Mannat's fantasy is asking, how do you feel over these years? So ye jo question hai, iska answer, it's like this is one of the best years of my life. I feel myself. Jab ye saal start hua tha na, tabhi maine decide kar liya tha, I wanna be my best version. I wanna give myself माई 100% एंड मैं एक्चुअली मैं हर दिन हर मोमेंट ग्रो कर रही हूँ. इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इन एवरी वे. बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माइंड पावर मेंटेलिटी को भी ग्रो करूँ, मेंटल बिलीव्स को भी ग्रो करूँ, उन पर भी वर्क करूँ, स्पिरिचुअली भी वर्क करूँ, अपने आप से और ज्यादा कनेक्टेड हूँ, और ज्यादा हम्बल हूँ, एंड फिजिकली भी अपने ऊपर काम करूं. आई वॉन्ट बी माई बेस्ट. क्योंकि हमें पता है कि हम कितना अपने आप को अच्छा कर सकते हैं एंड वी शुड ग्रो. उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एवरी पर्सन शुड इम्प्रूव एंड करियर वाइज एंड रिलेशनशिप्स. यस, सो इन एवरी थिंग. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ एंड आई एम ग्रोइंग एंड आई फील वेरी 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 गुड. व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन? तो मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज्यादा सिंपल है. टीनेज में मुझे एक्ने रहते थे. टीनेज क्या मतलब, लास्ट ईयर भी अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा हो, बर्थडे व्लॉग, तो आपने देखा होगा कि कितने एक्ने थे मेरे फेस पर. तो मुझे हमेशा ये एक्ने की, हार्मोनल इश्यूज की प्रॉब्लम रही. इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर ही अपनी डाइट चेंज करी. उससे पहले मैंने क्या क्या नहीं किया. आई डिड ग्लूटेन फ्री, आई डिड वीगन डाइट, आई डिड फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ किया मुंह पर एंड महंगी महंगी क्रीम्स एंड डॉक्टर्स सब कुछ किया, लेकिन वापस एक्ने. तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है. अब फाइनली जाकर वन ईयर से मैं रुजुदा दिवेकर से डाइट ले रही हूँ. तो एक साल ग्रेजुअली अब जाके मेरी स्किन ऐसी दिख रही है. एंड हमने काफी सिंपल डाइट रखी, क्योंकि स्किन इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट व्हाट यू पुट इन योर बॉडी. एंड जो भी मैं खाती हूँ बिल्कुल ही नॉर्मल खाना है, घर का खाना है, दाल चावल, दाल रोटी, सब्जी, चीज सैंडविच, चाय विद चीनी, कॉफी विद चीनी. बेसिकली इट्स लाइक सिंपल इंडियन डाइट. कुछ भी फैंसी नहीं है. ओट्स, मतलब कुछ भी फैंसी नहीं है. इट्स लाइक कि आप जो खाकर बड़े हुए हो, अपनी रूट से कनेक्ट हो जाओ, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, एंड वाटर एंड एवरीथिंग एल्स. सो माई स्किन केयर रूटीन इज वेरी सिंपल. पहले मुझे मन करता था कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करूं अपनी स्किन पर, लेकिन यार कुछ सूट ही नहीं करता. सो फाइनली दिस इज माई फेस वॉश जो कि मैं यूज करती हूँ, शिशीडोज. एंड आपको देख के पता चली गया होगा कि खत्म होने वाला है. तो ये मुझे सूट कर रहा है मेरी स्किन पर. एंड देन आफ्टर दैट आई अप्लाई दिस सीरम ऑफ लॉरियल. ये भी मुझे सूट कर रहा है. मेरी स्किन ड्राई नहीं होती है एकदम इसके बाद. सिर्फ ये ही सीरम है जो मेरे को सूट कर रहा है. आफ्टर दैट आई यूज दिस मॉइस्चराइजर ऑफ मिनिमलिस्ट विटामिन B6. ये ही सूट करता है मुझको. एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस शिशीडोज फ्यूचर सॉल्यूशन LX
cream. So this is also suiting my skin, which is great. And this sunscreen. So these products are rare in the market, which are working good for me. So काफी simple है, कुछ भी बहुत ज़्यादा fancy नहीं है. ये normal products हैं जो कि work कर रहे हैं मेरे लिए. So OMG funny version is asking which streams you took in 11th. So I took commerce with maths क्योंकि मुझे हमेशा से decided था कि I want to be go in business and मुझे maths पसंद थी. So मैंने maths लिया commerce के साथ and I liked my stream. Okay, so Arun Kajur is asking, Hi Payal, first of all, kudos to you for your amazing journey. I have been following you since the first video you guys have uploaded. Wow! Thank you. So, my question is, what do you prefer, mountains or beaches? I like both. I like mountains as well, but I like beaches more. It's like, ओशियन के पास जाके ना इतना अच्छा फील होता है, इतना सुकून मिलता है. एंड स्पेशली व्हेन यू गो इन द वॉटर एंड यू स्विम एंड यू लुक एट द सी, वो स्टार्ट से लेके एंड तक, इट्स लाइक एंड ही नहीं हो रहा होता है वो. एंड इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना कामिंग लगता है. सो आई लव बीचेस, इट इज सो 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 ब्यूटीफुल. बट आई ऑल्सो लाइक माउंटेन्स. बस बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो फिर यार ठंड लगती है, बस ये प्रॉब्लम है. बट माउंटेन्स की बात अलग ही है. वॉक करना वहाँ पे मॉल रोड पे या हिल्स पे, ऐसे स्टीप एरिया पर, और बालकनी में बैठकर चाय सिप करना एंड माउंटेन्स को देखना आराम से, एंड वेदर अच्छा हो तो मजा ही आ जाए. एंड बॉनफायर, मुझे दोनों पसंद है. इफ बीचेस अपार्ट फ्रॉम गोवा, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? आई लाइक गोवा यार. इनफैक्ट गोवा की तो स्टोरी भी है. आफ्टर आई डिड माई योगा कोर्स फ्रॉम ऋषिकेश, उसके बाद मी एंड माई फ्रेंड, शी इज फ्रॉम मंगोलिया, सो दावा और मैं, हम दोनों ने गर्ल्स ट्रिप करी एंड हम लोग गोवा गए. एंड हम लोग काफी दिनों के लिए, लाइक 12-13 डेज के लिए हम गोवा में थे. नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दोनों जगह हमने घूमी. एंड Around that time I was maybe like 22 and it was my first aise trip ki sirf girls trip, and that was the best decision of my life. I will cherish it kyunki itna acha experience tha mera. Main aur Dava ghoomte the, hum log travelers ki tarah ghoome. Hum logo ne luxury bhi kiya, new year ke time pe gaye the, so hum logo ne new year bhi wahin pe celebrate kiya. So that was beautiful. एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि मेरे को हमेशा याद रहेगा अपनी लाइफ में. एंड हम लोग डांस करते थे, ओनली गर्ल्स यू नो, बट इट्स सेफ. गोवा इज सेफ. मैं मुझे लगा था कि जैसे दिल्ली में होता है ना कि गर्ल्स अगर घूम रही होती हैं तो लड़के ऐसे देख रहे होते हैं, गोवा में फिर भी सेफ कि ऐसे नहीं था कि हर जगह अगर हम चल रहे हैं तो लड़के हमारे आगे पीछे आ रहे हैं या हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं था. और थोड़ा बहुत अगर होता था तो दैट्स नॉर्मल. सो सीमा श्रीवास्तव इज आस्किंग, हु इज योर मेल बेस्ट फ्रेंड? नो वन, देयर इज नो वन. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी एंड सीरीज? सो माय फेवरेट मूवी हिंदी में जब वी मेट, क्वीन एंड चक दे इंडिया एंड शकुंतला देवी. और भी होंगी लेकिन अभी फिलहाल मुझे यही याद है. लेकिन क्वीन के तो सारे डायलॉग याद है हमें, मुझे भी और टीना को भी. एंड जब वी मेट भी बहुत अच्छी मूवी है. चक दे इंडिया मैंने बहुत बार देखी है, इनफैक्ट थिएटर में देखी है. शकुंतला देवी भी, क्योंकि विद्या बालन जिस तरीके से कोई भी कैरेक्टर को करती है ना, शी डज इट विद हर हार्ट. सो वो चीज ना उसके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होती है. सो वो चीज मेरे को बहुत पसंद है. एंड हॉलीवुड मूवी Cruella, I loved that movie. Confessions of a Shopaholic, I Feel Pretty, बहुत अच्छी मूवी है. Passengers मूवी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना, तभी मैंने डिसाइड किया था कि आई वॉन्ट बी एन एक्ट्रेस. उस मूवी को देख कर ही मुझे हुआ था कि कुछ, मतलब समथिंग शिफ्टेड इन मी एंड आई फेल्ट लाइक यही करना है. हाँ, सो सीरीज
सीरीज में आई लव रोमांटिक रोम कॉम एंड के ड्रामा में मैं पहले आपको बताती हूँ एल्केमी ऑफ सोल्स रिसेंटली ही मैंने देखा था माय फेवरेट बहुत ही आप भी बताना कि अगर किसी ने देखा है इनमें से कुछ भी कोई भी सीरीज व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम बहुत ही अच्छी है एंड देन दिस इज चाइनीज ड्रामा फॉलिंग इन टू योर स्माइल बहुत ही अच्छी इसको देखकर तो मैं काफी वो हो गई थी क्या बोलते हैं कि यार खत्म क्यों हो गई इट्स लाइक सोच में पड़ गई थी कि यार इतनी अच्छी और ऐसे भी बॉयज हो सकते हैं लाइफ में दैट टाइम आई फेल्ट कि वाओ रिलेशनशिप्स अच्छे भी हो सकते हैं इस सीरीज को देखकर मुझे ऐसा लगा था सो आई लव्ड इट द सिल्वर स्पार्कल इज आस्किंग हैव यू एवर बंक्ड इन योर स्कूल नो नेवर मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बंक मार लूं मतलब मेरे को एकदम ऐसा होता है ना कि खराब बच्चे वाली वाइब ऐसे फील होने लग जाएगा कि मैं तो पाप कर दिया मैंने तो मैं कभी भी ऐसे सोच ही नहीं सकती थी सोचते ही पसीने छूट जाए मेरे ऐसे हो जाती मैं ऑल्दो कॉलेज में हम लोगों ने बंक किया है वो पूरी पूरी क्लास होती है ना बंक में निकल जाती है घूमने के लिए ऐसे होता था कि मैं जाती थी कॉलेज के बाहर एंड पूरी क्लास बाहर इकट्ठी है कि चलो प्लान बन गया है यहाँ पे जाना है यहाँ जाना है एंड आई एम लाइक नहीं यार ये क्या कर रहे हो बंक क्यों कर रहे हो अंदर तो जाने दो मैं इतनी वैसी थी कि नहीं मम्मी पापा के पैसे वेस्ट हो जाएंगे मेरे को यहाँ पे पढ़ने आई हूँ मैं मुझे पढ़ना चाहिए बट कोई बात नहीं वंस इन अ वाइल थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं वो चलता है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बंक करना स्टार्ट कर देना लेकिन मेरे जैसे बच्चे के लिए तो चलता है क्योंकि मैं नहीं करती थी ये सब और मेरे लिए काफी सही रहा कि ऐसे दोस्त थे मेरे जिन्होंने मेरे को थोड़ा सा लाइफ भी दिखा दी नहीं तो क्लास में ही बैठी रह जाती सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज योर ड्रीम प्लेस सो मैंने स्कूल में फ्रेंच पढ़ी थी एंड उसके बाद से आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू गो टू पैरिस तो मुझे पैरिस तो जाना ही जाना है सो दैट इज माई ड्रीम प्लेस And for you guys, I wanna say Shitam. Tell me in the comment मैंने क्या बोला ठीक है And otherwise, I wanna go to New York, LA, London, Switzerland. Yeah. So the next question is, whose personality do you like? I like Meryl Streep. She has that special light in her. When she walks, she talks, वो reflect करता है उनमें That love, that aura. So I love her personality, Meryl Streep. I love Vidya Balan's, that joy she brings with her. I love J-Lo's, that power that she has. I love Priyanka's, that courage she has. And Oprah Winfrey. I love her. So, all of these ladies I love their personalities so the next question is how you improved yourself as compared to 6 to 7 years ago you had improved yourself a lot how do you do it so mere bare mein ek cheez hai ki I like to grow I like to improve myself and agar mujhe aisa lage ki maine kuch bhi improvement apne aap mein nahi ki ya growth nahi ki to mere ko thoda ajeeb feel hota hai विच शुड नॉट बी मतलब हमें ऑब्वियसली खुशी होना चाहिए हमेशा अपने साथ लेकिन मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी सफोकेटिंग हो जाती है कि आई लाइक टू ग्रो माई सेल्फ इन एवरी वे कि मैंने क्या बेटर किया अपने आप में तो 6-7 साल पुरानी बात के हिसाब से तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया बोलने में माइंड वाइज लुक्स वाइज इमोशंस इमोशनली काम में फाइनेंशली तो मैंने हर चीज में अपने आप को इम्प्रूव किया है मैं उस चीज में अपने आप को वर्क करती हूँ उसमें सो लाइक यू आस्क कि हाउ डू यू इम्प्रूव योर सेल्फ सो व्हेन आई गेट अप उठते ही मैं आंखें बंद करती हूँ एंड थोड़ा सा चैंट करती हूँ एंड कुछ ऐसा बोलती हूँ कि या टुडेज डे इज गोइंग टू बी ग्रेट एंड आई से दैट 2-3 times एंड उसके बाद अभी जैसे आप लोगों को पता होगा अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो यू गाइज नो कि आई गो टू द जिम एवरी सिंगल डे क्योंकि मुझे पसंद है
इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, इट्स अबाउट माई मेंटल हेल्थ. I feel good when I work out. वो जो hormones और वो जो happy hormones release होते हैं मेरे अंदर, मुझे उसकी लत लग गई है. I'm like, I want that every single day in me. कि मुझे वो अच्छा feel करना है. And I like to listen to songs जो कि मुझे charge करें, inspire करें and मुझे खुद से connect करें. एंड बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, एफर्मेशंस हो गई एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स जो डाइट आप खा रहे हो, क्योंकि फूड भी हमें इम्पैक्ट करता है बहुत सारे वेज में. सो उस चीज में मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया. मेरा शुरू से ही डिसाइडेड था कि लाइक टीनेज में होता है ना कि या मैं बड़े होकर डाइट लूंगी सेलिब्रिटी डाइटिशियन से, बट मुझे पता थोड़ी ना था कि आई कैन. And now, last year I took diet from Rujuta Divekar. Everybody knows her. So then I realized, yaar, this is my dream, jo maine khud pura kiya hai apna dream. And that was the best decision of my life. Usse pehle maine itni diets kari aur hamesha teenage mein I was obese, I was fat. But wohi hai ki mera weight kam hota tha, fir wapas badh jata tha, kam hota tha, wapas badh jata tha. And finally, I am in that position ki हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं. उन लोगों का हमेशा से ये क्लियर रहता है कि आपको वैसी ही डाइट करनी है जो आप लॉन्ग टर्म तक कर पाओ. ये नहीं कि आपने अभी शॉर्ट टर्म किया एंड देन यू हैव टू स्टॉप एंड उसके बाद फिर वापस आपका वेट वापस बढ़ गया. तो हम लोगों ने काफी चीजों पे इम्प्रूव किया है, मेरी स्किन पर, मेरे हेयर पर. एंड वो हमेशा ये कहते हैं कि जो आपका खाना होता है ना, वो आपको मेंटली भी इफेक्ट करता है. एंड काफी चीजें उन लोगों ने मेरी क्लियर करी. इट्स लाइक कि पीपल से कि आपको चीनी नहीं लेनी चाहिए शुगर चाय में, कॉफी में. इट्स नॉर्मल, आप ले सकते हो. एंड उससे पहले मैंने क्या क्या नहीं किया है. मैंने ओट्स, ओट मिल्क एंड आमंड मिल्क ये सब भी लिया चाय में. एंड नाउ रुजुता सेज हैव फुल क्रीम वाला मिल्क, नॉर्मल मिल्क जो आप बचपन से लेते आ रहे हो, नॉर्मल बटर ब्रेड, नॉर्मल चीज, नॉर्मल एवरी. इट्स लाइक कि नॉर्मल खाना खाओ, घर का बना हुआ खाओ. आप अचार भी खा सकते हो लेकिन घर का बना हुआ, आप मट्टी भी खा सकते हो लेकिन घर की बनी हुई. लेकिन पोर्शन, इट्स नॉट अबाउट पोर्शन कंट्रोल, इट्स अबाउट आपको जितनी भूख है उसका हाफ खाओ, धीरे धीरे खाओ. एंड अगर आपको लगता है आपको और खाना है तो आप थोड़ा और ले लो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब्जियां ही खानी है, सैलेड ही खाना है या सूप पीना है बस. एंड देन यू आर लाइक रात को किचन में गए एंड अब तो मैं सब खा लूंगी. होता है ना ऐसा कि डिजास्टर हो जाता है कि इतना आपने आपको टॉर्चर कर लिया एंड देन यू आर लाइक अब तो सब दे दो. तो वो सब चीजें भी छूट गई हैं. सो गुरसांज बत्रा इज आस्किंग, हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस व्हेनेवर यू आर इन अ टफ सिचुएशन, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ. टफ सिचुएशन की अगर बात करें, सो टफ सिचुएशन बहुत बार आई है मेरी लाइफ में एंड हर किसी की लाइफ में आती है. इट्स अबाउट हाउ यू डील विद इट. सो देयर वॉज अ टाइम, ये चैनल स्टार्ट करने से पहले, मतलब हमारा द पायल जैन चैनल स्टार्ट करने से पहले, आई वॉज इन माई टफेस्ट डार्केस्ट मोमेंट. आई वॉज सिटिंग इन द पार्क, अकेले बैठी थी मैं पार्क में. उससे पहले मेरा एक चैनल था, बहुत सारे लोगों को पता भी है. सो वो चैनल नहीं चला एंड उस पर मैंने मम्मी पापा के इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगा दी थी. तो वो चैनल हमारा नहीं चला एंड मैं पार्क में अकेले बैठी थी कि मैंने मम्मी पापा के इतने पैसे इन्वेस्टमेंट लगा दी है एंड अब मैं क्या करूँ, मैं मुंबई चली जाऊँ, स्ट्रगल करूँ. तो दैट वॉज द डार्केस्ट मोमेंट. एंड तब भी एक इनसाइड वॉइस होती है ना हर इंसान में, तो वो चीज मुझे पता थी कि नहीं यार, दिस इज नॉट माय स्टोरी, दिस इज नॉट माय एंड, दिस इज, इट इज जस्ट द स्टार्ट एंड आई एम स्पेशल एंड आई कैन डू इट. सी, वो एक छोटी सी आवाज होती है, वो हर किसी को पता होती है. वो मेरे अंदर थी लेकिन कुछ भी मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूंगी. सब कुछ डार्क था, सब कुछ. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा द पायल जैन चैनल बनेगा एंड इतना अच्छा चलेगा, या मैं खुद स्क्रिप्ट कर पाऊंगी या डायरेक्शन कर पाऊंगी, या इतनी जगहों पे जाएंगे हम, इंटरव्यूज देंगे. सो मतलब इट्स लाइक
आई हैड अ विजन कि आई एम दैट पर्सनैलिटी एंड दिस इज द लाइफ आई वांट टू गिव माय सेल्फ, लेकिन हाउ वो नहीं पता था. लेकिन एक अगर आपके दिमाग में आपके लिए खुद विजन है कि आप अपने आप को कैसा इंसान देखते हो इन फ्यूचर, तो शायद भगवान ही अपने आप राइट डायरेक्शन हमें दे देता है. तो धीरे 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 जो चीजें आती गई और हमने भी हर चीज को कैच किया एंड फेस किया कि विल डू इट. इनफैक्ट जैसे अभी हम लोग एक शूट पे गए थे, तो हमें ना रेस्टोरेंट का वहां पे शूट करना था एंड वहां पे वो लोग हमेशा अलाउ कर देते हैं एंड उस दिन दे डिंट अलाउ, उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते एंड वी विल, हमारे साथ जो कास्ट भी थी और कैमरामैन भी था दे वर शॉक्ड. कास्ट जो थी मतलब एक लड़का था जो हमारे साथ एक्ट कर रहा था, ही वाज लाइक कि अरे करने दो सर करने दो. एंड मैं और टीना दोनों ही चिल, क्योंकि वो शॉप की रेस्टोरेंट ओनर वाज सेइंग कि नहीं कर सकते अभी, यहाँ पे रश वाला टाइम है. तो हमने कहा ठीक है यार, बंदे की बात भी जेन्युइन है. हम एकदम चिल मोड में, पता नहीं क्यों इट्स लाइक कि एक मेंटली क्लियर है हमारे दिमाग में कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है एंड हमारे साथ जो हो रहा है ना वो हमारे बेटर के लिए ही हो रहा है. एंड इमेजिन वो सच में हमारे अच्छे के लिए ही हुआ. फिर हम वहां से बाहर निकले एंड जब हम बाहर खड़े हुए तो मैंने लोकेशन देखी कि यार यहाँ पे अगर खड़े होकर करें तो, एंड जब हमने खड़े होकर वहां पे सीन लिया वो ज्यादा अच्छा आया, जो कि अंदर अगर रेस्टोरेंट में बैठकर लेते तो उतना अच्छा नहीं आता कभी भी. तो वी वर लाइक थैंक गॉड कि हम लोग चिल रहे, हमने फोर्स नहीं किया. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान ना हमारे लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं एंड फॉर दैट ही हैज टू क्लोज द डोर्स जिन पे हम जा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं. लेकिन ही इज लाइक कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं जाना, एंड वी लाइक नहीं प्लीज हमें अंदर जाने दो. एंड भगवान इज लाइक नो यू हैव टू गो टू द अदर वे, वो तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता है. तो कभी कभी हमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि शायद जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, एंड शायद नहीं सच में हमेशा जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है और हमारे बेस्ट के लिए होता है. दिस इज माय एक्सपीरियंस इन लाइफ. एवरी सिंगल मोमेंट मैं इस चीज को फील करती हूँ और ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज ट्रू. सो पूजा त्रिवेदी इज आस्किंग व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सैड. सो सैडनेस तो कभी भी कैसे भी आ सकती है ना. इट्स लाइक सो अभी हम लोग हमारी एक रीसेंट वीडियो का एडिटिंग कर रहे थे एंड इट वॉजंट कोई कुछ पार्ट था ऐसा जो मेरे को अच्छा नहीं लगा. सो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मैंने अपना फोन फेंक दिया कारपेट पर ही एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. फिर रोली, उसके बाद आंसू पूछे, आई एम लाइक फोन उठाया वापस काम करने लग गए. क्योंकि यही होता है ना कि अगर आपको लगा कि हाँ यू आर फीलिंग दैट स्ट्रेस कि अरे यार क्या हो रहा है एंड कोई बात नहीं यार रो लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोते ही रहोगे. रो, इमोशन को रिलीज करो, वाइप इट ऑफ एंड वेयर योर क्राउन एंड डू द वर्क. अदरवाइज आई लिसन टू म्यूजिक जो मुझे अपलिफ्ट करे, रोने वाला म्यूजिक नहीं, अपलिफ्ट करे जिससे मेरे को फील हो कि या आई एम अ क्वीन एंड एकदम अंदर से एनर्जी आ जाए एंड देन आई एम लाइक कि या. और ना लाइफ में हमेशा ना पॉजिटिव वाइब्स रखना मुझे पसंद है. किसी के लिए भी नेगेटिव वाइब मैं नहीं रखना चाहती, चाहे सामने वाला कुछ भी वाइब हमें भेज रहा हो, हमें क्या मतलब उस बात से. कि हमें अपने हार्ट को प्योर रखना है, हमें अपने अंदर वाइब्रेशंस अच्छी ही रखनी है हर किसी के लिए. क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं, हम प्योर होते हैं ना, तो हमारी लाइफ में भी वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होती हैं. So I don't want to waste my energy on bad things. I just want good things. That's why मैं ये conscious choice रखती हूँ अपनी life में कि किस चीज़ को मुझे अपनी energy देनी है and कितनी देर देनी है. And I focus कि अगर मेरा दिमाग कहीं negative उस पर जा रहा है तो उसको हटा कर positive करो. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, लेकिन yes, recently मैं इस चीज़ पर और ज़्यादा work कर रही हूँ. What is your favorite song? Yes, my favorite songs are Diamonds, Never Be the Same, God is a Woman, Dangerous Woman, Woman, Dear Future Husband, Hero, Slay Queen, Unstoppable, Stuck With You. So
तो मैं अपनी प्लेलिस्ट को भी थोड़ा ऐसे ही रखती हूँ कि या तो मुझे पंप करे, मोटिवेट करे, या फिर विमेन सेंट्रिक होता है, या फिर कुछ रोमांटिक लव टाइप होता है कि या तो ये मेरी वाइब है, मुझे यही सॉन्ग्स को सुनना पसंद है, जिससे कि हाँ मैं कुछ ऐसा नेगेटिव सुनना मुझे पसंद नहीं है कि हाँ लड़की बोल रही है मेरा एक्स है उसने मुझे धोखा दे दिया, ये वो सेवन रिंग्स एंड थैंक यू नेक्स्ट ये भी पसंद है मुझे, तो क्यों हमें यार अपने एक्स को एनर्जी देना या किसी के बारे में कुछ गलत सोचना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तभी तो हम आज जिस भी पोजीशन पे हमारे पास्ट की वजह से ही तो हैं, सो आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग अबाउट माय पास्ट एंड तो हाँ यहाँ पे तो सॉन्ग की बात हो रही थी ना, तो ये है मेरे फेवरेट सॉन्ग्स, और भी होंगे लेकिन अभी मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। व्हाट वॉज योर चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम, तो जैसे बचपन में हम लोग बहुत सारी गेम्स खेलते थे, ऐसे घर घर होता है एंड ऐसे ऑफिस ऑफिस भी होता है, तो हम बच्चे जब भी खेलते थे ना तो मैं हमेशा बॉस बनती थी एंड बाकी जैसे टीना एंड हमारी कजन्स वगैरह वो लोग सब एम्प्लॉयज बनते थे, उनको पसंद था वही जॉब वाला, लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को हमेशा बॉस ही बनना है बचपन में भी, क्योंकि मेरे पापा भी बिजनेसमैन है, तो मेरा डिसाइडेड था कि, और फिर जब मैं बड़ी हो गई बीबीए करने के बाद तो जॉब ही करनी थी, मतलब मेरा तो डिसाइडेड था कि मुझे बिजनेस करना है लेकिन बिजनेस करना ही नहीं आता था, एंड फाइनली अब हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज लाइक माय चाइल्डहुड ड्रीम दैट आई एम लिविंग, कि यार मुझे बॉस वुमन बनना था बचपन में ही, मेरा अंदर से इट्स लाइक माय सोल्स चॉइस, तो दैट आई एम लिविंग। एंड पूजा त्रिवेदी इज सेइंग लव यू सो 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 मच दी, यू आर द बेस्ट, नो हॉलीवुड नो बॉलीवुड ओनली द पायल जैन, यू जैन सिस्टर्स ऑलवेज रॉक्स, थैंक यू पूजा। सो सानवी इज आस्किंग व्हाट्स द स्कैरियस्ट थिंग यू हैव डन, योर बिगेस्ट फियर। स्कैरियस्ट थिंग जानवी मेरे लिए यही था कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, दिस इज लाइक कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी रिलेटिव में इस फील्ड में नहीं है, एंड वो भी गर्ल तो बिल्कुल ही नहीं है, लड़के अगर हो तो समझ भी आता है, एवरीबॉडी इज लाइक कि लड़कियां ऐसी फील्ड में हो ही नहीं सकता, फिर भी आई डिसाइडेड कि मुझे ये करना है एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ करेज, ये करने एक्टिंग करने से पहले मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ट्राई करी है, मैंने योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, मैंने वास्तु किया, मैंने सिंगिंग किया, मैंने न्यूमरोलॉजी किया, मैंने जॉब की एंड मैंने SSC की कोचिंग भी की, सो इन दिस वाइल मैंने बहुत सारी चीजें की एंड हमेशा अंदर से ये आवाज आ रही थी कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, एंड अंदर से था कि एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, लेकिन कभी सुनने की हिम्मत ही नहीं हुई, इट वॉज स्कैरी, बट देन आई फाइनली डिसाइडेड येस आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस, तो ये ही मेरे लिए सबसे स्कैरियस्ट है, एंड देन ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, एंड पापा ने बोला कोई बात नहीं, नहीं चला तो कुछ और कर लेना, लेकिन करना जरूरी है, एंड आई एम सो ग्लैड माई फैमिली सपोर्टेड मी, तो अपने ऊपर रिस्क लिया जो कि बहुत अच्छा रहा। सो गौरी इज आस्किंग एनी स्पेसिफिक डाइट प्लान दैट हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग योर बॉडी फिट, सो गौरी जैसे मैंने अभी बताया भी कि डाइट इज वेरी वेरी नॉर्मल, घर का खाना, सिंपल खाना, बाकी इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट आई ईट इन अ डे या इन अ वीक, जैसे भी आप लोग को चाहिए, एंड देन आई विल टेल यू कि मैं क्या क्या खाती हूँ एंड क्यों खाती हूँ एंड कैसे खाती हूँ। सो रॉकी इज आस्किंग व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो आई एम अ फूडी, आई लव फूड, तो मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, आई लाइक बर्गर यार, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, और मुझे बहुत टाइम से ना अच्छा टेस्टी बर्गर नहीं मिल रहा है जिसमें केचप ना हो, आजकल हर कोई केचप डाल देता है बर्गर में, मुझे ना बिग जॉय का बर्गर बहुत पसंद था पर अब वो बंद हो गया है, एंड मैकडी का ठीक है, मैक आलू टिक्की या मैकवेजी, लेकिन वो तो फिर वो बात नहीं है ना उसमें बर्गर वाली, एक कोई तुम लोगों को बताओ यार अच्छा बर्गर जहाँ पे मिलता हो ना मेरे को बताना प्लीज कमेंट में, आई वांट टू ईट अ बर्गर वेरी सून, ठीक है। उसके बाद आई लाइक पाव भाजी, हमारे घर की पाव भाजी मस्त बनती है, मुझे बाहर की नहीं पसंद इतनी जितनी मुझे घर की पसंद है,
मुझे डोसा इडली सांबर बहुत पसंद है, मुझे समोसा बहुत पसंद है, पेड़मी पूरी पता है तुम लोग को, मुझे वो भी बहुत पसंद है, एंड मुझे हल्दीराम की वो हल्दीराम की कचौड़ी होती है ना मसाले वाली कचौड़ी, दाल वाली कचौड़ी, वो बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही ज्यादा पसंद है वो। उसको तो मुझे रोकना पड़ता था अपने आप को खाने के लिए। अब ऐसी चीजें मैं घर पे ही नहीं आने देती हूँ, आती है तो फिर मैं नहीं जाती उसके पास, या खा ही लेती हूँ, क्या ही कर सकते हैं। अब मेरी डाइटिशियन ने हमें मट्ठी दे दी है, थैंक गॉड। इट्स लाइक कि हम घर की मट्ठी अगर ऑथेंटिक तरीके से घर में बना के खा रहे हैं तो हम खा सकते हैं, एक मट्ठी वो और वो आम का अचार घर का बना हुआ तो वो लगा के हम खा सकते हैं, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। मुझे पनीर की सब्जी भी पसंद है, पनीर टिक्का भी पसंद है मुझे, मुझे लग रहा है मुझे सभी पसंद है। दाल चावल तो सबको ही पसंद होते हैं ना, करेले भी अगर अच्छे बने ना, बहुत कड़वे ना बने तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मुझे ना मुझे कोल्ड कॉफी भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ अब तो, अभी तो मैं नॉर्मल कॉफी पीती हूँ। कॉफी मेरे को जनरली कॉफी बहुत पसंद है, एंड फ्रूट्स में भी बता ही देती हूँ, बात हो ही रही है तो। मुझे बनाना बहुत पसंद है, मैंगो बहुत पसंद है, लीची भी पसंद है, और अगर बात करें ऐसे टोटली अनहेल्दी खाने की तो मुझे ना भुजिया भी बहुत पसंद है बस छोले भटूरे भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, लेकिन ना वो बहुत हैवी हो जाते हैं, फिर लाइक मैं उनको बस एक दो बाइट ऐसे टीना के खाने में से ऐसे टेस्ट कर लेती हूँ, हाँ हो गया मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया। सोनू मित्तल इज आस्किंग माई क्वेश्चन इज दैट विच डे वॉज वर्स्ट ऑफ योर लाइफ एंड वाई। सो आई डोंट थिंक मेरी लाइफ का कोई भी दिन वर्स्ट होगा, एंड आई डोंट थिंक कि किसी का भी होता है, एंड अगर हमारी लाइफ में कुछ भी गलत कुछ भी हो रहा है ना, सो दैट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिखा रहा है लाइफ में जो हमें सीखना जरूरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पार्क में अकेले बैठी थी, अगर मैं उसके बाद कुछ नहीं करती अपनी लाइफ में तो वो मेरी लाइफ का वर्स्ट डे होता, लेकिन उस दिन ने ही मेरी लाइफ को चेंज किया। आई वॉज सो 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 डिप्रेस्ड, आई हिट रॉक बॉटम, एंड आई वॉज लाइक कि ये चैनल जो मेरा चैनल था इस हमारे द पायलजन चैनल से पहले जो दूसरा चैनल था किसी और यूट्यूबर के साथ, आई वॉज लाइक कि ये क्यों नहीं चला, हमने इतनी मेहनत की इतना कंटेंट बनाया लेकिन क्यों नहीं चला, एंड गॉड वॉज लाइक गर्ल आई हैव बेटर प्लान्स फॉर यू एंड आई एम सो ग्लैड कि वो नहीं चला। अगर वो चल जाता तो आज मैं ऐसी होती ही नहीं और हमारा ये चैनल नहीं होता, मुझे अपने अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज हैं वो पता ही नहीं होती कि मैं स्क्रिप्ट कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं, आई एम रिलेटेबल, आई हैव ह्यूमर इन मी, एंड आई कैन मैनेज पीपल, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई कैन बी हम्बल विद पीपल बट आई कैन बी पावरफुल टू, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो कभी कभी जो चीज गलत हो रही होती है वो हमें उस मोमेंट पे लगता है कि वो गलत हो रही होती है, लेकिन इफ यू स्टिल कीप मूविंग फॉरवर्ड तो आपको आगे जाके पता चलता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ था हमारे साथ, थैंक गॉड वो हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बन गई हूँ। हाय पायल दी, माय क्वेश्चन इज अबाउट योर एज, व्हेन यू स्टार्टेड योर एक्टिंग। सो आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज 24। तब मुझे सबसे पहले एक यूट्यूबर का मैसेज आया था कि हम एक शूट कर रहे हैं, स्कूल की कोई वीडियो है, आपको करना है एक्ट। एंड तब तक मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली कि क्या है यूट्यूब, क्या करते हैं यूट्यूबर्स, नो आइडिया। एंड मैंने मतलब जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, ये तो मतलब मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता, ये था कि ये तो नहीं करना, क्या पता शायद मैंने अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि मैंने सोचा हुआ था ये नहीं करना तो यही कर लिया, आई डोंट नो। तो रूपिका दुआ इज आस्किंग व्हाट इज योर फेवरेट ऐप। करेंटली आई थिंक मैं ज्यादातर अपने फोन में काम के लिए मैं यूज करती हूँ, वैसे ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम में सिर्फ काम के लिए यूज करती हूँ, काम एंड जो भी मेरे को पसंद है वो चीजें करने के लिए, अदरवाइज यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करना होता है, अदरवाइज आई ओपन स्पॉटिफाई अलॉट
क्योंकि मेरे को गाने सुनने होते हैं. सो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए इन स्कूल? सो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, फ्रेंच एंड मैथ्स. ये तीन सब्जेक्ट थे जो कि इकोनॉमिक्स तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था इन 12th एंड 11th. मुझे मैक्रो ज्यादा पसंद थी माइक्रो से. आई लव्ड इट. फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर यार मुझे सारे ही कलर पसंद है. इट फील्स लाइक मेरे को ऐसे कोई स्पेशल प्रेफरेंस है नहीं, लेकिन हाँ जैसे अभी ये पिंक है, रेड हो गया, या ग्लिटरी ग्लैम जैसे ये है, तो ये सब मुझे अट्रैक्ट करता है. सो आई लाइक ऑल द कलर्स एज लॉन्ग की वो मुझ पे अच्छा लग रहा है या मेरे आसपास अच्छा लग रहा है या मुझे हाथ में. सॉरी ये तो टीना का फोन का कवर है, लेकिन मेरा जो फोन का कवर है वो एकदम शिमरी शिमरी सा है, तो उसमें ऐसे वो लगे हुए हैं स्टोन्स. तो ये सब चीजें मुझे पसंद है. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर सिस्टर? यार टीना, टीना इज लाइक अ गॉडेस. एंड मतलब उसके बारे में तो जितना बोलो ना उतना ही कम है. शी हैज अनकंडीशनल लव इन हर. उस बंदी ने मुझे अपना फोन दिया हुआ है ये व्लॉग शूट करने के लिए कि तुझे क्वेश्चंस देखने हैं. एंड मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ या ना में जवाब दे, मुझे अपना फोन दे देगी? कह रही चल ले ले. आई डोंट थिंक मैं ये कर पाती. एक घंटे से, दो घंटे से उसका फोन मेरे पास है एंड वो आई नहीं है यहाँ पर. शी इज डूइंग हर थिंग, आई डोंट नो वॉट. बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल वुमन है वो, और उसके अंदर ना प्यार है सबके लिए. अगर उसकी लाइफ में कोई है तो उसको अनकंडीशनल प्यार दे सकती है. एंड दैट इज अ सुपर पावर जो हर किसी में नहीं होती है. सो शी इज अ प्योर सोल एंड आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर हर. शी हैज नेचुरल टैलेंट इन हर. शी इज सो कॉन्फिडेंट. शी इज अ बॉस वुमन. तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर एज माई सिस्टर. उसने बचपन से लेके अभी तक वी हैव बीन टुगेदर एंड शी हैज बीन लाइक अ एक पिलर होता है ना आपके साथ. तो शी इज लाइक दिस. आई एम विद माई सिस्टर एंड आई एम प्रोटेक्टिंग हर एंड यू मतलब ऐसे मैं गाली वाली नहीं दे सकती. तो शी इज लाइक कि शी वो एकदम मेरा सपोर्ट. अपनी जैसे दो बहनें होती हैं ना, मैं उसको अपने तरीके से सपोर्ट करती हूँ एंड दिस इज हर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग हर सिस्टर. एंड वो हमेशा मुझे, अगर मैं कहीं पे थोड़ा लो हो रही हूँ लाइफ में या कॉन्फिडेंस नहीं है या कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, देन शी इज लाइक, वो ऐसे देखती है मुझे एंड शी इज लाइक कि यू आर नॉट दिस, यू आर अ पावरफुल वुमन, गेट अप. सामने वाला अगर तुझे दबा रहा है तो दब मत. तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है एंड हमेशा अपलिफ्ट करती है. एंड यू नीड वुमेन लाइक दिस इन योर लाइफ. आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास मेरी ऐसी बहन है. ओके, सो व्हाई डू यू डिसाइड टू बिकेम, ये तो मैंने बता दिया यूट्यूबर वाला. यू आर वेजिटेरियन, वी आर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियंस, मी एंड टीना, बोथ ऑफ अस. ओके, सो पायल टीना एक्स सनशाइन इज आस्किंग व्हाट योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर. आई लाइक चॉकलेट. इनफैक्ट मुझे ना हॉट चॉकलेट फज बहुत ही ज्यादा पसंद है. इट्स लाइक वो दैट इज माई कमजोरी, इसलिए मैं उसको अपने आसपास आने नहीं देती हूँ. और अगर वो आ जाए मेरे हाथ में, वो ग्लास आ जाए, तो मतलब मैं उसको खाती जाऊंगी. उसमें वो चॉकलेट सॉस एंड वो वनीला आइसक्रीम एंड चॉकलेट आइसक्रीम एंड वो नट्स एंड अगर उसमें ब्राउनी के पीसेस हों, मैं सच्ची में फूडी हूँ. तो मुझे वो बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है. क्यों? योर बेस्ट फ्रेंड टीना. टीना इज माई बेस्ट फ्रेंड. माई सिस्टर इज माई बेस्ट फ्रेंड. एनी फ्यूचर हस्बैंड, आर यू गाइस प्लानिंग? सो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, उसको हमें अपने चैनल को स्टार्ट करे हुए 3 साल हो गए हैं. सो उस टाइम से लेके अभी तक आई हैव बिन लाइक रियली वेरी 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 फोकस्ड ऑन माई वर्क. और मैं अभी भी हूँ एंड आई एम लाइक, लड़कों की तरफ नहीं देखना. एंड मेरे पास रिलेशनशिप्स भी इतने कोई खास गए नहीं है. सो आई एम लाइक कि हार्ट ब्रेक ही होता है या लड़के ऐसे ही होते हैं सारे के सारे, सेम एक्सपीरियंसेस, लायर्स. मतलब हम किसी को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, सब अच्छे हैं यार, जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है लाइफ में. तो मतलब दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू गाइज कि एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था. तो मैंने, एक होता है ना कि अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर ली
लाइक प्रोटेक्टिव वॉल की सिर्फ काम सिर्फ काम सिर्फ काम एंड इस इमोशन को अपने अंदर आने ही नहीं देना है. लाइक नॉट इवन स्लाइटेस्ट क्रश हो रहा है आपको किसी के ऊपर, कुछ भी नहीं. बट रिसेंटली आई हैव लाइक फाइनली डिसाइडेड नो, आई विल हील एंड वाई नॉट हैव लाइफ पार्टनर विद माई सेल्फ. एवरीबडी डिजर्व्स लव एंड आई डू टू. तो वेन आई डिसाइडेड येस आई वॉन्ट टू बी विद माई मैन विद माई लाइफ पार्टनर एंड तब मैंने सोचा कि क्यू why do I want that. तो because I want to be loved. तो तब मैंने डिसाइड किया पहले start loving yourself. If you want आपकी लाइफ में फ्यूचर में कोई आपकी लाइफ में आए तो पहले मैं खुद को प्यार करना सीखूं. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन माय सेल्फ, गिविंग माय बॉडी द लव, गिविंग माय माइंड दैट लव एंड माय एवरीथिंग, जिससे कि जब मेरी लाइफ में माय मैन कम्स इन माय लाइफ तो आई एम माय बेस्ट वर्जन, आई एम माय हील्ड वर्जन. पास्ट का कोई बैगेज लेके नहीं आ रही हूँ मैं, सेम उसके साथ भी हूँ क्योंकि एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी. सो आई वांट टू अट्रैक्ट गुड एनर्जी इन माय लाइफ, माय बेस्ट मैन. सो दैट्स व्हाई आई एम लविंग माय सेल्फ मोर दीज डेज. लाइक कि अगर मेरे खुद के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो फिर सामने वाले के तो क्या ही होंगे. तो हमें खुद को प्यार करना आना चाहिए, तभी हमें पता है कि तभी वी कैन गिव लव. वही है ना कि यू आर नॉट फुल तो आप सामने वाले को क्या प्यार दोगे. तो या ऑफ कोर्स फ्यूचर में होगा जो होगा, लेकिन करंटली आई एम जस्ट ओपन टू लव एंड गुड लाइफ पार्टनर, हाई वैल्यू वुमन. सॉरी, आई एम अ हाई वैल्यू वुमन एंड आई वांट अ हाई वैल्यू मैन फॉर मी, अ मैन हु कैन ट्रीट हिज वुमन लाइक अ क्वीन एंड ओनली अ किंग कैन ट्रीट हिज वुमन लाइक अ क्वीन. सो या आई एम ओपन एंड ऑब्वियसली राइट टाइम पे राइट चीजें होती हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ. वी आर वर्किंग एंड वी आर ग्रोइंग एंड सब कुछ अच्छा हो रहा है तो विच इज गुड एंड सबके साथ अच्छा ही होना चाहिए और अच्छा ही होता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन खत्म हो गए. सो गाइज मुझे बहुत मजा आया ये क्यू एंड ए करके. आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हूँ एंड काफी मजा आया. मैंने बहुत सारी चीजें शेयर करी एंड जस्ट इन केस आपको लगता है कि और बताओ या कुछ रह गया है तो कमेंट में जरूर बता दो. नेक्स्ट क्यू एंड ए वीडियो बना दूंगी, वहां पे बता दूंगी आप लोगों को. वील टॉक मोर एंड थैंक यू सो मच. लव डूइंग दिस. आई होप आप लोगों को भी मेरे जितना ही मजा आया हो ये क्यू एंड ए देख कर एंड कुछ सीखा हो. एंड आप लोग भी लाइफ में अच्छा करो हमेशा, मैं तो यही चाहूंगी. जब आप मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो मेरे कॉन्टेंट पर तो मैं यही चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी हमेशा ग्रोथ हो, अच्छा हो एंड आपके सपने पूरे हों. सो ड्रीम बिग एंड इंजॉय लाइफ, सबसे इम्पोर्टेंट. लव यू गाइज, बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको शेयर करना सभी के साथ एंड लाइक कर देना, कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट एंड मुझे हमेशा प्यार देते रहो. लव यू गाइस, बाय.